उन्होंने चंद रुपए के अंदर हमें नेटवर्क बनाने की ताकत दे दी। आप उसकी पावर को जानिए, आपकी आंखें खुल जाएगी दोस्तों, ये इतनी बड़ी पावर होती है। लोगों का एक सवाल आएगा आपके सामने कि दिस इज अ मेंबर मेकिंग। दोस्तों व्हाट इज मेंबर मेकिंग, पहले आप अपना डिफाइन कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, आप 10,000 का शॉपिंग करते हैं, फटाफट से वो दौड़ के आते हैं, आपका एक डिस्काउंट कार्ड बना देते हैं, आपने जेब में रख लिया। बट क्वेश्चन इज दैट, क्या उन्होंने आपको ये पावर दी कि अपने गांव में जाके अपने शहर में जाके सबका डिस्काउंट कार्ड बना दो? नो, तो पावर ट्रांसफर नहीं हुई है, दैट इज मेंबरशिप। जिस दिन आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, आपने ग्रेजुएट कर लिया, जिस दिन आपके हाथ में ग्रेजुएशन का डिग्री आता है, तुम जब चाहो अपने गाँव में जाके स्कूल खोलो, इंस्टीट्यूट खोलो, ट्यूशन सेंटर खोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो पावर ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, दैट इज लीडरशिप। मैं एक लीडर हूँ, आपको भी लीडर बनना है। ये लीडर्स बनने का बिजनेस है, मेंबर्स बनने का बिजनेस नहीं है। लोग यहाँ पे सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल करेंगे, ये बेचने का काम है, सेल करने का काम है। दोस्तों कौन नहीं सेल कर रहा? आपकी स्क्रीन के सामने एक पर्सन आ रहे हैं, अक्षय कुमार जी। दोस्तों क्या कर रहे हैं ये? हार्पिक बेच रहे हैं। करोड़पति आदमी है, इसको क्या जरूरत है हार्पिक बेचने का? क्यों बेच रहा है? और नोटिस करो, जब भी आप खाने की थाली लेके बैठोगे तब जरूर आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप उसको प्राइम टाइम में देख रहे हो। इसके अलावा ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्या बेच रहा है? पेप्सी बेच रहा है, बूस्ट बेच रहा है। इसके अलावा ये कौन है? विराट कोहली। दोस्तों आपको पता है इसके पास अपना प्लेन है, इसके पास अपना जहाज है, ये बेच रहा है। यहाँ पे जिन लोगों के पास स्कूटर भी नहीं है वो क्या बोल रहे हैं? मैं बेचूंगा। तो दोस्तों उन लोगों को बेचने की जरूरत है, हमें क्यों नहीं है? ये कौन है? सलमान खान। बनियान बेच रहा है, देखो इसको, बनियान बेच रहा है, और हमें बेचने में शर्म आ रही है। ये कौन है? अमिताभ बच्चन। अरे दोस्तों लोगों के खानदान बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचता है, बेटा राजा आइडिया बेचता था, बहू रानी लक्स बेचती है, ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो बताई भी नहीं जा सकती। दोस्तों अगर इनको बेचने में शर्म नहीं आती तो हमें भी शर्म आ रही है, हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? बेचना बुरी बात नहीं है, बेचने से ही ग्रोथ होता है। लोग कहते हैं ये बंदे जोड़ने का काम है। आपके सामने एक तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा गौर से देखिए, किसी बिजनेसमैन की पिक्चर है, उसने अपने ऑफिस में कितने सारे एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं, ये सभी इंसान तो है। दोस्तों लोग सैलरी पे कर करके अपने साथ टीमों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, टीम बनाते हैं। हमें ऐसी पावर फाइट ऑटोमी ने दी है। आपके पास क्या ऐसी वैल्यूज है कि आप 100 लोगों को रोजगार देकर उनको सैलरी दे सकते हो? तो फाइट ऑटोमी ने तुमको ताकत दिया कि आप 1,000 लोगों को भी टीम में रख के उनसे काम करा सकते हो, और उनके काम का फायदा आपको तो मिलेगा मिलेगा, उनको आपसे भी कहीं ज्यादा मिलेगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लोगों का सवाल आपके सामने आएगा कि भाग जाएगी, उसको भागेगी नहीं, हम भगाएंगे। देखो कहाँ जाती है? आसमान की बुलंदी तक लेके जाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। देखिए भागती कौन सी कंपनियां है जो कहती मुझे 10,000 तो मैं 30,000 लौटाऊंगी? ऐसी कंपनियां भागती है जब पैसा जाना बंद हो जाता है। हम कौन है? हम तो एक शॉपकीपर है, हमें दुकानदार है। आप हमें 10 रुपए देते हैं, हम 10 रुपए का सामान दे देते हैं, इसमें भागने जैसा कुछ है ही नहीं है। सो सिंपल, एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप हजारों सालों से करते आ रहे हैं। दोस्तों सफलता कहाँ है ये जानना बड़ा जरूरी है। सफलता इंसान के पास गाड़ी है, घर है, बच्चों की अच्छी शिक्षा है, बैंक बैलेंस है, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सिक्योरिटी, हम उसको सफल मानते हैं। क्या नौकरी वालों के पास अच्छा घर होता है? कभी नहीं होता। बच्चों की अच्छी शिक्षा, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप इनमें से कुछ भी देख लो, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब वाले के पास नहीं होता, कुछ गवर्नमेंट जॉब वालों के पास कुछ हद तक होता है, लोन के साथ होता है, आप चेक करिए कभी उनके स्टेटस। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करें ये सारी की सारी चीजें बिजनेसमैन के पास है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो फिर भारत के 90% लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के, क्योंकि उनके पास बाप दादा की दौलत नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है बाप दादा की दौलत? क्योंकि बाप दादा ने भी जॉब किए, दौलत हो कहाँ से? परदादा ने भी जॉब किए, छोटे मोटे काम किए। जो काम दादा ने करके देख लिया, परदादा ने करके देख लिया, भाई भी करके देख ले, दौलत आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो वो करो जो आज तक नहीं किया। अब ये जो दून जैसे स्कूल है जहाँ पे लाख लाख रुपए फीस है, कौन सा जॉब करने वाला बच्चा पढ़ा सकते हैं आपने? कोई जॉब करने वाला अपने बच्चों को माने शिक्षा दे सकता? दोस्तों ये मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, ये लीडरशिप क्रिएशन का सिस्टम है। आपको लीडर बनना है, लीडर बनाना है, तभी आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। स्टोरी सुनाना चाहूंगा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार क्या हुआ, एक राजा बीमार हो गया, अगर गौर से सुनिएगा, राजा बीमार हुआ तो अनाउंस कर दिया कि जो मुझे ठीक करेगा मैं उसको दौलत दूंगा। तो राजा को बहुत लोगों ने ट्राई किया, ठीक हुआ है, फिर संत आया जंगलों से, उसने कहा राजन मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। राजन ने बोला चलो है ठीक है करो, तो उसने उसकी सेवा करी, 15-20 दिन में राजा ठीक। राजा ने अनाउंस किया कि एक दरबार सजाया जाए, इसको सम्मानित करना
जब सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो उसको बोला मांगो क्या मांगते हो, तो उसने कहा नहीं परमात्मा का दिया सब कुछ है, संत आदमी हूँ जंगलों में रहता हूँ कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने बार बार जब रिपीट किया कि मांगो क्या मांगते हो तो संत समझ गया कि राजा नहीं बोल रहा, राजा की मैं बोल रही है कि मैं कुछ दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। उसने उस टाइम पे चेस चलती थी, उसको चौसर बोलते हैं, 64 खाने होते हैं, काले सफेद बच्चे गेम खेलते हैं ना चेस, तो खाने वहां पे पड़े थे। उसने शर्त रखी कि मुझे आप एक काम करो अनाज दे दो। शर्त ये है कि चेस के पहले खाने में एक दाना रखिए, दूसरे में दो, तीसरे में चार, 8, 16, 32 हर खाने में डबल करते जाइए और बस चेस पर अनाज दे दो। बड़े बड़े गणितज्ञ बुला लिए, वैज्ञानिक बुला लिए जो कैलकुलेट कर पाए, उनको बुलाया गया, बोला गया जितना अनाज ये मांग रहे दे दो। वो चले गए, गणना करने लगे, आधे घंटे बाद दौड़ते आए, चिल्लाते आए, कहते महाराज साहिमा क्या हो गया, कहते जितना अनाज ये शख्स मांग रहा है उतना अनाज तक पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, दुनिया का 8वां अजूबा है, इसको कैलकुलेट करके देखो आपके कैलकुलेटर फूट जाएंगे। तो यही चीज डायरेक्ट सेल है, डायरेक्ट सेल भी इसी प्रकार से फैलती है, जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होगा ये बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बहुत ज्यादा आगे रफ्तार पकड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिजनेस है दोस्तों, इसके साथ हम काम करते हैं। कोई भी लक्ष्य दोस्तों मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा भी दोस्तों जो लड़ा नहीं, हमें मिलके लड़ना है, मिलके फाइट करना है। फाइटोटॉमी आपको ये साथ दे रखी है, आप इसके साथ मिलके काम करें दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्राई तो करो। आपका जीवन है, हर इंसान के पास परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, आप इस जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। आप चाहे तो लेबर कर सकते हैं, आप चाहे तो जैसा भी जीवन जी सकते हैं, परमात्मा ने सबको वही दिमाग दिया, 100 ग्राम छक्के सब कुछ समझाया। अब देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान के साथ क्या हो रहा है, एक आम परिवार का पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ाई करता है, डिग्रियां लेता है, एक अमीर आदमी पैसे के दम पे उसकी डिग्रियों से काम कराता है। मुझे बताइए क्या इस रेस में कभी अमीरों से जीता जा सकता है, जीता जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज जॉब, जॉब क्या होती है, बहुत बड़ी सैलरी में से, बहुत बड़ी इनकम में से बहुत छोटा सा हिस्सा। इसके लिए कहावत है जैसे मरने भी नहीं देंगे आगे बढ़ने भी नहीं देंगे, इसे जॉब कहते हैं दोस्तों। तो हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। व्हाट इज जॉब एंड एमएलएम, जॉब में आप अकेले स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपकी टीम फाइट करती है और आप टीम मिलकर सारा जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। आज लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट सेल के, ये वो समय नहीं कि किसी को इतनी ज्यादा, आज लोगों में जागरूकता फैल रही है और ये सही समय है दोस्तों इसके साथ बढ़ने का, आगे बढ़ने का, जीवन को बढ़ाने का। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें मिलके काम करिए, मिलके हम चलते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।